भैया आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सोन पापड़ी का मिक्सचर है इसकी भिजाई की जा रही है अभी, और यहाँ हमारी जो सोन पापड़ी है वो बनके तैयार हो गई है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे कि फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस ऑफ सोन पापड़ी। जी हाँ दोस्तों, आखिर सोन पापड़ी फैक्ट्री में किस प्रकार से बनके तैयार होती है, तो वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है बेसन का बॉयलर, जहाँ पे इनिशियल स्टेज में कुछ परसेंटेज में कुछ रेशियो में इक्वल अमाउंट में मैदा और बेसन डाला जाएगा। इसमें जो पाम ऑयल का जो 15 लीटर का पीपा है इसको डाला जा रहा है, और गाइस यहाँ पे 15 लीटर का जो ऑयल है पूरा डाल दिया गया है। ऑयल की प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो चुकी है, आगे क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गया 12 किलो मैदा, और यहाँ पे मैदा हमारा डालना कम्प्लीट हो चुका है। और भैया 12 किलो मैदा होने के बाद अब आ गया है यहाँ पे 12 किलो बेसन, बेसन भी दोस्तों डालना कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे मिक्स हो रहा है, किस प्रकार से मिक्स किया जा रहा है इसको। गाइस इसे 25 मिनट तक चलाया जाएगा, 25 मिनट तक ये मिक्स होते रहेगा। गाइस अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और यहाँ हमारे 25 मिनट हो गए कंप्लीट, अब देखते हैं भैया क्या करेंगे। ठीक है गाइस, अभी इसे कढ़ाई में पलटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे पलटाया जा रहा है। इसके बाद की प्रोसेस क्या है ये आपको हम आगे दिखाएंगे। अगर आपको प्रोसेस अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाइजीन का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। सभी के सर में कैप दिख रही है, ताकि किसी प्रकार का बाल वगैरह या हेयर वगैरह नहीं गिरना चाहिए सोन पापड़ी में। चलिए इसके बाद भैया ये शुगर का क्या करते, शक्कर को काटा करते हैं। हाँ। अच्छा वेट करके, मतलब कितना किलो? 2 किलो। अच्छा 2 किलो शक्कर। हाँ। 2 किलो शक्कर, 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी आ गया इसमें। और इसके बाद इधर रखते हैं। अच्छा इसके बाद ये 2 गैस है यहाँ पे, ये छोटी वाली है। अच्छा एक छोटी वाली कम आँच में और एक में ज्यादा आँच दिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें कितने मिनट तक का प्रोसेस रहता है छोटी कम आँच में? कम आँच में कम से कम 2 मिनट। 2 मिनट और उसके बाद बड़ी आँच में? बड़ी आँच में। उसमें कितना मिनट? उसमें 3 या 4 मिनट। अच्छा बड़े आँच में, फिर यहाँ से कहाँ ले जाते भैया? इसके बाद इसमें डालेंगे ये क्या चीज है भैया? ये वाली क्या चीज है? हाँ इसको ये मतलब नीचे गर्म है ठंडा है क्या है? ठंडा पानी है। ठंडा पानी है नीचे। हाँ। तो कितने मिनट तक रहेंगे इसमें? 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट तक। अच्छा अच्छा, फिर 3 मिनट के बाद फटे पे जाती है। ना तो ये सॉलिड रहेगा ना ये लिक्विड रहेगा, तो बीच का पोर्शन है। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये जो पानी इसमें गर्म है, लेकिन जो इसमें पानी ठंडा होता है तो ताकि इसको ठंडा इसलिए रखा जाता है ताकि ये बीच के जो पोर्शन होता है उसमें बन सके, ना ही ये सॉलिड हो और ना ही ये लिक्विड हो। भैया ये जो शक्कर की चाशनी आप देख सकते हैं, जो कि प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर शक्कर से जो बनाई गई है, तो आप इसको देखिए भैया लोग क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग। ये भैया लोग ने इसको ले लिया और इसके बाद यहाँ पे रखा गया। भैया इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पट्टा। अच्छा अच्छा, लकड़ी का पट्टा है ना? हाँ। और इसमें देखिए 3 लोग लगे हुए हैं भैया लोग, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है। ये इतना बड़ा बेलन काहे का है, लकड़ी का है लोहे का है? लोहे का है। कितने किलो का भैया? 2 किलो का। भाई 2 किलो के बेलन से इसको बेला जाता है, देख सकते हैं। और आप देखिए कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए, खिंचाई हो रही है। अच्छा गाइस, शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि आगे कितनी मेहनत से लगती है सोन पापड़ी बनाने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस कितनी मेहनत लगती है, देखिए किस तरीके से भैया लोग इसको दिख रहे हैं। अच्छा अब इसमें बेसन का जो घोल डाला जा रहा है, जो बेसन का घोल बनाया गया था जो कढ़ाई में रखा गया था, तो वही वाले बेसन का घोल को इसमें चाशनी में डाला गया है। इलायची साथ में, इलायची भी डाल दिया आप देख सकते हैं, ताकि इसका जो सेंट है दोस्तों फ्लेवर है वो इलायची वाला, मतलब फ्रेगरेंस आना चाहिए जो सेंट होता है। अब इसमें आप देखेंगे गाइस की तार निकलेंगे, एक एक तार ऐसी निकली जाएगी।
और गाइस यहाँ पे भैया का कहना है कि जितना इसे खींचेंगे उतनी इससे तार निकलेगी, मतलब इसमें गाइस मतलब तार होती है, जितना आप इसे खींचते रहेंगे उतना इससे मतलब मटेरियल निकलेगा और उतनी तार निकलेगी और उससे मतलब आपकी सोन पापड़ी बनकर तैयार होंगी। मतलब इसको बहुत ताकत लगती है दोस्तों, तो इसकी खिंचाई करने के लिए 4 से 5 लोग लगते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रही है और फैन शुरू है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया इसे सुखा रहे हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फैन लगा हुआ है जिसमें मतलब क्योंकि ये गर्म होता है ताकि ये ठंडा हो सके और जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा इसमें से तार निकलेगी, ऐसा जो भैया लोग का कहना है। और आप देख सकते हैं गाइस बेसन और जो चाशनी होती है इस प्रकार की, ये वापस से आ गई वहाँ से। अब इसके बाद जैसे भैया लोग का कंप्लीट हो जाएगा फिर से बनाया जाएगा, मतलब ये काम प्रोसेस चलते ही रहता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये साँचा है भैया, ये साँचे में गाइस डाला जा रहा है इसको, अगर इसको साँचे में डाल रहे हैं इसके बाद अब क्या प्रोसेस होते हैं आगे की क्या प्रोसेस होगी वो आपको बताया जाएगा। और इसके बाद अब इसे साँचे में बराबर भरा जा रहा है और यहाँ पे बाजू में फिर से खिंचाई वाली प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और अब इसे स्केल से काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भैया काट रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए कैसा लग रहा है वीडियो बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। गाइस पूरी प्रोसेस होने के बाद फ्रेम जो है वो निकाला जा रहा है, फ्रेम में पलटेंगे। अच्छा, ये दोस्तों आ गया ट्रे यहाँ पे, आप देख सकते हैं और यहाँ भैया ने पलटा दिया इसको, ये आप देख सकते हैं सोन पापड़ी जो है हमारी फाइनली बन के तैयार हो गई। अब इसका पैकिंग का क्या प्रोसेस होता है वो आपको आगे दिखाएंगे। ये जो डेकोरेशन है ये ओरिजिनल पिस्ता और बादाम का है। जी, तो गाइस भैया कहना है इसमें जो डेकोरेशन किया गया है वो ओरिजिनल पिस्ता और बादाम से किया गया है, आप देख सकते हैं। गाइस अब आप देख सकते हैं कि अब ये पैकिंग की प्रोसेस में हम आ चुके हैं यहाँ पे, और किस प्रकार से इसको कितना ग्राम इसको आप डालते हुए 250 ग्राम गाइस डालते हैं यहाँ पे सोन पापड़ी को, आप देख सकते हैं किस प्रकार से डाला जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेट हो रहा है, वेटिंग किस प्रकार से होती है आप देख सकते हैं, वेट किस प्रकार से वेट किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने पैकिंग हो रहा है और गाइस ये फर्स्ट पैकिंग है, इसके बाद उसके ऊपर कवर लगेगा और कवर के बाद फाइनल पैकिंग होगी इसकी जो कि लसा की ब्रांडिंग के नाम से होगी, ठीक है। वो यहाँ पे आ गया, ये ऊपर से कवर लगा रहे हैं आप देख सकते हैं, और कवर लगाने के बाद ये लसा की सोन पापड़ी इलायची फ्लेवर सब जो है 250 ग्राम एक प्लेट, और यहाँ पे इस प्रकार से बनके तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पैकिंग लग चुका है। तो गाइस आज मैंने आप सभी को सोन पापड़ी कैसे बनती है प्रोसेस दिखाया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ये गाइस आप देख सकते हैं लसा की सोन पापड़ी इलायची फ्लेवर जो कि बन के तैयार हो गई फाइनली, और अब इसको इस प्रकार से पैक किया जाता है। गाइस अगर आप ये सोन पापड़ी लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ की पूरी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है जो यहाँ के मैनेजर है उनका जो भी नंबर है पूरा कॉन्टैक्ट में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पता कर लीजिएगा, ठीक है। गाइस देख सकते हैं लसा की सोन पापड़ी नागपुर प्रीमियम सोन पापड़ी इलायची फ्लेवर जो की होती है, कुछ मीठा ले जाए सोन पापड़ी, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से आखिर बन के तैयार हो गए फाइनल पैकिंग पूरी।